रायपुर में नड्डा साहब भी आए हैं और अमित शाह साहब भी आए हो, वो सोच रहे होंगे कि इस जो बलौदा बाजार में क्या चल रहा है। ये सब हिसाब रखते हैं, हमारे लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, उनके पीछे उनके सीआईडी तो रहते ही है। साहब ये लोग बोले इतने लोग आए थे, इतने लोग उनको मिला, ये सब चीज। महिलाओं के लिए कानून जो पास हुआ वो रिजर्वेशन का 33% का, ये कोई नया नहीं है। राजीव गांधी जी ने तो 73-74 अमेंडमेंट लाके पंचायत जिला पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया, और आज हमारे महिला अध्यक्ष हैं, वहां जिले में है, म्युनिसिपालिटी में है, मेयर में है, हर जगह है। अरे ये काम ने तो राजीव गांधी पहले ही कर चुके हैं। रायपुर में नड्डा साहब भी आए हैं और अमित शाह साहब भी आए हो, वो सोच रहे होंगे कि इस जो बलौदा बाजार में क्या चल रहा है। ये सब हिसाब रखते हैं, हमारे लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, उनके पीछे उनके सीआईडी तो रहते ही है। साहब ये लोग बोले इतने लोग आए थे, इतने लोग उनको मिला, ये सब चीजें उनको बताते हैं, तो इसलिए उनको भी मालूम होगा कि आप इतने लोग जोश के साथ कांग्रेस पार्टी के पीछे हो, साथ हो, और बघेल साहब के साथ आप सभी लोग काम कर रहे हैं, और कांग्रेस के पूरे मिनिस्टर एक होकर कर रहे हैं, और जब एक होकर जब काम करते हैं तो तुमको कोई हटा नहीं सकता। जब एक लकड़ी रहती है कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन 10 लकड़ियां मिला के अगर उसको तोड़ने के लिए कहो कभी टूटता नहीं। ऐसा आज सब मिलके आपने जो काम किया, ये बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया, और वो भी हमारे मजदूरों के लिए। जब हमारी सरकार थी हमने अनेक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट में लाए थे, और जितने भी स्कीम्स है, प्रोविडेंट फंड का हो, ESIC का हो, और जो मजदूरों को मिलने का हक था उसको पूरी देने की हमने कोशिश की। लेकिन ये सरकार आने के बाद मजदूरों के जो कानून थे उनको कमजोर किया, किसानों के कानून को कमजोर किया, सभी को कमजोर करते चले गए। सिर्फ अमीरों के लिए जो कानून बनना उसको बनाते गए, उनको जो फायदा देना वो देते गए, लेकिन गरीबों के बारे में कभी नहीं सोचा। अगर कोई सोचा है वो कांग्रेस पार्टी के लोग सोचे हैं और कांग्रेस के नेता लोग सोचे हैं। और मैं आपसे एक बात कहूंगा कि गरीब को जो भी मदद करता है उसको हमेशा याद रखा जाता है। एक बात कहता हूं, मैं एक शेर कहता हूं, इतिहास में सम्मान वही पाते हैं, इतिहास में सम्मान वही पाते हैं जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, जो गरीबों के लिए लड़ते हैं, और इतिहास उन्हें माफ नहीं करता जो गरीबों से लड़ते हैं। जो गरीबों के लिए लड़ते हैं वो तो इतिहास बनाते हैं, लेकिन जो गरीबों को खत्म करने की बात करते हैं वो खुद ही खत्म होते हैं। तो इसीलिए बीजेपी के लोग
आज गरीबों को खत्म कर रहे हैं और अमीर लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। और सिर्फ मैं ये कहूंगा 5% लोगों के पास इस देश की 62% संपत्ति है, 5% लोगों के पास 62% संपत्ति है और 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। तो आप देख लीजिए ये गरीब और अमीर की खाई कितनी बढ़ती जा रही है इनके जमाने में। और ऊपर से कहते हैं कि हम गरीबों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। परसों ऐसा ही हुआ कि जो महिलाओं के लिए कानून जो पास हुआ वो रिजर्वेशन का 33% का, ये कोई नया नहीं है। राजीव गांधी जी ने तो 73-74 अमेंडमेंट लाके पंचायत जिला पंचायत में महिलाओं को आरक्षण दिया और आज हमारे महिला अध्यक्ष हैं, वहां जिले में है, म्युनिसिपालिटी में है, मेयर में है, हर जगह है। अरे ये काम ने तो राजीव गांधी पहले ही कर चुके हैं। और आप जब राजीव गांधी महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लाया उस वक्त यही बीजेपी के लोग उसको विरोध किए और हमको हार खाना पड़ा। हम एक सदन में हमको बहुमत मिला लेकिन दूसरे सदन में यही बीजेपी के लोग उसको खिलाफ करके हमारे उस महिला बिल को, रिजर्वेशन बिल को खत्म किया। आज छाती ठोक के कहते हैं कि हमने किया और कब करने वाले हैं, वो खुद ही कहते हैं कि 2024 को नहीं होने वाला है, 2029 फिर उसके बाद जब सेंसेस होगा, डिलिमिटेशन होगा, उस वक्त ये सब लागू होगा, यानी 2034 में लागू होगा। इसका मतलब यही है कि अगर इनको देने में, महिलाओं को सपोर्ट करने में, महिलाओं को रिजर्वेशन देने का अगर इनके पास इच्छा शक्ति है तो आज ही वो लोग कर सकते हैं। हमने उसी लिए पार्लियामेंट में अपने मुद्दा रखा, राहुल जी रखे, सोनिया जी रखे, पहली बार हम सभी ने कहा कि इसको 2034 तक ले जाने की जरूरत नहीं, ये अभी कर सकते। जो हमारे पास जितने एमपीज है वो एमपीज के आधार पर कितने नंबर है उसमें 1/3 करो और इलेक्शन चुनाव 2024 में लड़ाओ, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन वो उनको सिर्फ लोगों को बताना है, काम करना नहीं है। लोगों को सिर्फ भ्रमित रख के अरे मोदी जी कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, ये बोलते बोलते 2024 का इलेक्शन निकल जाना, तो ये उनकी मंशा है। लेकिन हम जो भी कुछ काम करते दिल से करते हैं। राजीव गांधी जी ने भी किया, सोनिया गांधी जी ने भी किया, सब कुछ हमने अपने लोगों को मदद करने के लिए करते हैं, किसी को खुश करने के लिए नहीं। तो इसीलिए भाइयों और बहनों, मैं आपसे यही कहूंगा कि मोदी जी महिलाओं को आरक्षण आज नहीं दे रहे हैं, 2024 को भी नहीं दे रहे हैं, 2029 को भी नहीं दे रहे हैं, बोले हैं 2034 को ये आएगा। तब तक वो ना रहेंगे, नाम रहेंगे।
उन्होंने भी नहीं रहेंगे। अरे पहले तो 2024 का हिसाब डालो, फिर बाद में देखेंगे। ये सब लोगों को बोलने की बातें और वोट लेने के लिए सब कुछ करते हैं, कितना झूठ बोलना है सब बोल देते हैं। जैसा कि पहले ही बोले जुमला कि 2 करोड़ रुपए सबको, 2 करोड़ नौकरियां इस देश में मैं हर युवक को देता हूं, उन्होंने कहा। अरे 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने वाले, अब तक 10 करोड़ नौकरियां मिलना था। 15 लाख रुपए देने वाले हर एक को अब तक मिलना था। किसानों की दुगनी आमदनी करने वाले अब तक को मिलना था। जब उनको पूछा जाता है वो कहते हैं शाहजी ये सब जुमले हैं बोलते। तो जब वो जुमला हो सकता है तो महिला आरक्षण भी एक जुमला ही है, ये भी एक जुमला है। क्योंकि उनको उनको उनके दिमाग में क्या है, लोग हम जो भी कहते हैं उसको लोग भूल जाते हैं बाद में। जो भी हम उनको प्रॉमिस करते हैं या जो भी हम उनको बात बताते हैं वो थोड़े दिन में लोग भूल जाते हैं, फिर हमको वोट मिलते हैं, ये उनके दिमाग में। लेकिन आप उनको 2024 में सबक सिखाना ही होगा। आप सभी लोग मिलके हाथ के निशाने के ऊपर अगर बटन दबाए तो ये नहीं रहेंगे 2024 में। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ यहां सुन के जाएंगे, कार्यक्रम लेके जाएंगे, बगेल देते जाएंगे, तुम लेते जाएंगे, फिर हमको भूलेंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा ना, नहीं होगा। हाँ तो आप सभी हाथ के निशान पे वोट देंगे। अरे जरा जोर से बोलो भाई, हमारी भी मेहनत है, देंगे। इसीलिए हमेशा मैं ये कहता हूं लोगों को, मैं हमेशा कहता हूं आप वोट देना है तो ये जात पात वो ये देख के नहीं देना। हमारे पास कहावत है, न जात न पात, बटन दबाओ हाथ पर, कुछ और कुछ नहीं देखना। और जब बटन आप हाथ पे दबाएंगे तभी फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी और मंच में जो लोग बैठे हैं फिर से वो आपके मंत्री बनेंगे। बाय। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि आज राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं, एक उसूलों के लिए कोशिश कर रहे हैं, गरीबों के साथ देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ देना हमारा फर्ज होता है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी जी अकेले चल पड़े, उनके साथ लाखों लोग गरीब, महिलाएं, बच्चे, विद्यार्थी, जर्नलिस्ट, ये सब चलते चले गए। कहीं के लिए? वो आपके लिए, हमारे लिए, देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए हम सब कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी के लोग इस संविधान को खत्म करके दूसरा संविधान लाना चाहते हैं। वो थोड़ा 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 अपने विचारों को लोगों में छोड़ देते हैं, फिर बाद में कहते हैं नहीं 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 हमारा मकसद ये नहीं है, हमारा मजबूत करना है, ये कहते हैं। तो इसीलिए मैं गरीबों से विनंती करता हूं, दलितों से विनंती करता हूं, ट्राइबल से विनंती करता हूं, पिछड़े हुए लोगों से विनंती करता हूं, अगर आप इस लड़ाई में हारेंगे
तो संविधान और लोकतंत्र इस देश में बचेगा नहीं। अगर उसको बचाना है तो आपको लड़ना होगा, राहुल जी के साथ देना होगा, कांग्रेस के साथ देना होगा।